न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा और न्यूज चक्र में आज हम बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, जिसे कांग्रेस के खेमों में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, मगर आज की इस राजनीतिक घटनाक्रम से कई लोग एक्सपोज हो रहे हैं। दोस्तों, एक्सपोज हो रहा है गोदी मीडिया, एक्सपोज हो रही है बीजेपी, एक्सपोज हो रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और एक्सपोज हो रहा है कांग्रेस का लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस का नेतृत्व और किस तरह का संकट बना हुआ है वो, और एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन्स पर चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के दलित पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री। जैसे कि आप जानते हैं, पंजाब के अंदर 31% लोग दलित हैं और उस लिहाज से यह एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं दलितों की, उसे संबोधित किया है, दलितों को काफी हद तक खुश किया है। और दूसरी और बहुत अहम बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले काफी अरसे से काफी अलोकप्रिय होते जा रहे थे, उनका बर्ताव बिल्कुल राजा ऑफ पटियाला जैसे था और उससे हो क्या रहा था कि राज के कामकाज पर असर पड़ रहा था। यही नहीं, कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई थी, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके बीच में सिर्फ टवल हो रही थी। और अब इस मास्टर स्ट्रोक या इस कदम के बाद यह माना जा सकता है कि कांग्रेस में यह संकट खत्म होगा, मगर क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं, आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। मगर सबसे पहले मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि आज मैं कई लोगों को एक्सपोज करूंगा इस राजनीतिक घटनाक्रम के जरिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जैसे ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद जो उनके बयानात आने लगे, ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी जाने वाले हैं। यहां तक कि कई लोगों ने उनसे सवाल भी पूछा था तो उनका जवाब यही था कि राजनीति में हर किसी भी चीज को इनकार नहीं किया जा सकता, ऑल ऑप्शंस आर ओपन। खैर, राजनीतिक विकल्प तलाशना ये उनका अधिकार है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, मगर कुछ चीजें जो उन्होंने कही उस पर सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया टुडे की राजदीप सरदेसाई को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा। सिद्धू पर करारा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, और आपके स्क्रीन्स पर, मैं नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करूंगा, मैं इस आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, नवजोत सिंह सिद्धू राष्ट्र विरोधी है। और उसके बाद वो आगे क्या कहते हैं एनआईए के इस इंटरव्यू में, अपने देश की खातिर मैं नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करूंगा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है क्योंकि प्रधानमंत्री इमरान खान नवजोत सिंह सिद्धू के दोस्त हैं। यही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू के ताल्लुकात पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मेरे आपसे कुछ सवाल। सवाल नंबर एक, आपने नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्र विरोधी बता दिया है, इतने दिनों से यह बात खामोशी पर क्यों आकर अटकी हुई थी? ये तो बहुत बड़ी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक राष्ट्र विरोधी हैं, और अब तक आपको तो पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपको राहुल गांधी पर दबाव बनाना चाहिए था कि मेरी सरकार में या मेरी पार्टी में एक राष्ट्र विरोधी है जो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, और जब तक ये पार्टी के अंदर है मैं मुख्यमंत्री नहीं बना रह सकता। आपने ऐसा तो नहीं किया, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मगर जब आपकी गद्दी गई तब आप इस तरह की बातें करने लगे। और ये अंदाजे बयां दोस्तों बिल्कुल मेल खाता है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संवाद के साथ, यानी बीजेपी भी इसी तरह की बात करती है। मगर उससे भी बड़ा सवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर किसी वजह के पाकिस्तान में जो है उतरते हैं, उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? वो तो राष्ट्र विरोध नहीं हो सकता ना। क्या किसी का किसी से मिलना को राष्ट्र विरोध बताया जाएगा?
वो एंटी नेशनल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं चाहूंगा कि आप देश को बताएं, यही नहीं पंजाब में हर पत्रकार जानता है दोस्तों, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक दोस्त, एक महिला दोस्त जो हैं, वो उनके साथ आकर रहती हैं और वो पाकिस्तान की नागरिक हैं। उनकी एक बहुत ही अहम भूमिका है उनकी जिंदगी में। तो इसे क्या माना जाए? इसे हम राष्ट्र विरोधी तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि देखिए आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ आपके निजी ताल्लुकात हैं, उसका आपकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनकी मौजूदगी भर से आप राष्ट्र विरोधी नहीं हो जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिल्कुल नहीं हो जाते हैं। उसी तरह से अगर इमरान खान से नवजोत सिंह सिद्धू मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों क्रिकेटर रहे हैं, दोनों की एक पृष्ठभूमि रही है, क्या इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्र विरोधी बता दिया जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह? और सबसे दिलचस्प बात यह दोस्तों कि गोदी मीडिया इस आग में घी डालने का काम कर रही है। दो मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी का पालतू माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का खास न्यूज चैनल जी न्यूज, क्या कार्यक्रम चलाया इन्होंने, कांग्रेस की कलह कथा से विपक्ष को वॉकओवर, कांग्रेस इंसल्ट्स कैप्टन पर ट्वीट कीजिए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जी न्यूज दो काम कर रहा है। पहला काम, कांग्रेस इंसल्ट्स कैप्टन, यानी कि कांग्रेस पर तो हमला बोल ही दिया आपने, और दूसरा कैप्टन लगाकर आप कहीं ना कहीं सेना का एंगल जोड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद, एंटी नेशनलिज्म, ये तमाम चीजें जोड़ रहे हैं। यानी कि जी न्यूज ने बाकायदा बीजेपी के लिए अच्छी खासी यहां पर फील्डिंग की हुई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि टाइम्स नाउ क्या कर रहा था। टाइम्स नाउ में उनकी संपादक को अमरिंदर सिंह इंटरव्यू दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पीक्स टू नविका कुमार आफ्टर रिजाइनिंग एज पंजाब सीएम, आई हैव सीन सिद्धू डेवलप, आई एम एंटी हिज प्रो पाकिस्तान एटीट्यूड, इंडियन सोल्जर्स आर बीइंग किल्ड ऑन द बॉर्डर एंड यू गो एंड हग जनरल बाजवा एंड इमरान खान। यहां पर टाइम्स नाउ को अगला सवाल यही पूछना चाहिए था कि अगर गले मिलने वाली बात है तो इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ को गले लगा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, पठानकोट में आतंकवादी हमला होता है देश के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ, वो इस बार हो गया। यानी कि इस हमले के पीछे कथित तौर पर संभवतः जिस एजेंसी का हाथ रहा होगा, यानी कि पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI, आपने उनको पठानकोट बुला लिया कि वो आके मुआयना करें जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है। ये तमाम सवालात क्या ये पत्रकार पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। और कल आपने तमाम न्यूज चैनल्स में देखा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर जबरदस्त बहस चल रही थी, जैसे इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इतना बड़ा राजनीतिक संकट। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, कुछ चेहरे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्हें हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, इन्हें हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, येदरप्पा, इनको हटाकर बासवराज बोमई को मुख्यमंत्री बनाया गया कर्नाटक का। पहली घटनाक्रम कहां हुआ? उत्तराखंड में। दूसरा घटनाक्रम कहां हुआ? कर्नाटक में। अब इस तीसरे चेहरे पर देखिए, विजय रूपाणी को हटाकर किसे मुख्यमंत्री बनाया गया? विजय रूपाणी को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया भूपेंद्र पटेल को, कहां पर? गुजरात में। वो गुजरात जिसके मॉडल के दम पर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए थे। और अब इस चेहरे को देखिए, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके अपने डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये मानने को ही नहीं तैयार हैं कि हम आदित्यनाथ को चेहरा बनाकर चुनावों में उतरेंगे। वहां पर सिर्फ फुटबॉल चल रही है। कुछ ही सालों पहले की बात है, उनके करीब 150 विधायक विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ गए थे, मीडिया वो पूरी खबर को दबा गया था। मैं आपको बाकायदा बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का संकट चल रहा है, मगर कभी भी मीडिया इसे संकट नहीं बताता है। मीडिया किसे संकट बताता है? पंजाब के अंदर जो हो रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का राज है। क्या मीडिया को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और मैं पूछूंगा सवाल इस मुद्दे को लेकर, कांग्रेस से भी मैं पूछूंगा, मगर ये जो दोहरे मापदंड है ना दोस्तों, ये बहुत बात अखरती है।
मीडिया पूरी तरह से खामोश हो जाता है जब भाजपा को कई चुनौतियां सामने पेश आती हैं, तब पूरी तरह से खामोश हो जाता है। और आज मेरा सवाल कांग्रेस नेतृत्व से, अब आप जानते हैं चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, हरीश रावत जो कि कांग्रेस आलाकमान ने नियुक्त किया था पंजाब के लिए, जो कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं, उन्होंने यह बयान दिया जो आपके स्क्रीन पर है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने साफ किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। अब जैसे ही हरीश सिंह रावत ने बात की, पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ यह बयान लेके सामने आ गए। उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर, ऑन द स्वेयरिंग इन डे ऑफ श्री चरणजीत चन्नी एज चीफ मिनिस्टर, मिस्टर रावत स्टेटमेंट दैट इलेक्शंस विल बी फॉट अंडर सिद्धू इज बैफलिंग। इट्स लाइकली टू अंडरमाइन सीएम्स अथॉरिटी बट ऑल्सो नेगेट द वेरी रीजन डिटेयर ऑफ हिज सिलेक्शन फॉर दिस पोजिशन। यहां पर सुनील जाखर क्या कह रहे हैं? सुनील जाखर ये कह रहे हैं कि हमने जिस वजह से चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया, हरीश रावत के इस बयान के बाद वो वजह जो है धराशायी हो जाती है। क्यों? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने दलित वोट बैंक को साधना चाहती है, न सिर्फ पंजाब में, 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश के लिए भी ये एक संकेत है। मगर बड़ा सवाल यहां पर, और दो सवाल है। पहला सवाल, हरीश सिंह रावत को यह बयान देने की क्या जरूरत थी, नंबर एक। दूसरा सवाल, सुनील जाखर खुलेआम यह ट्वीट कर रहे हैं अपनी पार्टी के खिलाफ। क्या आप जानते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आने से पहले कांग्रेस आलाकमान यानी कि गांधी परिवार ने इस महिला अंबिका सोनी जो कि 78 साल की हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था। अंबिका सोनी रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, एक अरसे से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस आलाकमान की यह समझ है राजनीति को लेकर। बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया गया, जो कहीं ज्यादा बेहतर फैसला है। मगर मैं आपको क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि राजनीति की हकीकत से गांधी परिवार या कांग्रेस आलाकमान कोसों दूर है। इन्हें यह नहीं समझ आ रहा है कि पार्टी को कौन सा कदम उठाने से फायदा मिलेगा। उल्टा पार्टी के अंदर उनके नेताओं में इस तरह की जूतम पैजार जारी है, जैसा कि आप देख रहे हैं सुनील जाखर और हरीश रावत के बीच चल रही है। उससे पहले आपने देखा नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? लोग कह सकते हैं सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी ने शायद अंबिका सोनी को नियुक्त किया था पहले। नहीं, सोनिया गांधी अब अपनी राजनीतिक उम्र के उस पड़ाव में है जहां वो रिटायर हो सकती हैं या उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। जिम्मेदारी किसे लेना चाहिए? जिम्मेदारी लेना चाहिए राहुल गांधी को। मगर राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी एक टीम प्लेयर नहीं है। राहुल गांधी जब भी पत्रकारों के सामने आते हैं तो कहते हैं, देखा मैंने चेतावनी दी थी कोरोना को लेकर, मैंने चेतावनी दी थी अर्थव्यवस्था को लेकर, मैंने चेतावनी दी थी चीन के रवैये को लेकर। और हकीकत यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जब जब जो जो चेतावनी दी है वो सही साबित हुई है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या राहुल गांधी को सामने आकर इस मुद्दे को संबोधित नहीं करना चाहिए था? ये जो दोहराव पार्टी के अंदर है, क्या इसे संबोधित नहीं करना चाहिए था? वो इससे क्यों पीछे हट गए? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि आपके साथ मीडिया भी नहीं है। आप जो भी कदम उठाएंगे मीडिया आपको टारगेट करेगा, जैसे कि आपने कल देखा पूरे पंजाब के घटनाक्रम को लेकर मीडिया का तेवर पूरी तरह से एंटी कांग्रेस था। मीडिया यह मास्टर स्ट्रोक नहीं बताएगा कि आपने एक राजा को हटाकर एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया। अगर यही काम बीजेपी ने किया होता तो सब कहते वाह साहब क्या मास्टर स्ट्रोक है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नो इथे तक ले आके बिठा देता है जिथे तक मेरी और साड़ी औकात पहला नहीं।
राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है, एक अगांवधी सोच है, गरीबां दी बांह फड़न वाला बंदा है। मैं उपकार इन्हां दा मोड़ नहीं सकदा। साडे ओ लोग जेड़े गरीबी चो उठ रहे है, जेड़े गरीबी चो उठ चुके है, जेड़े अंबेडकर दी सोच दे नाल अगे बढ़ रहे है, उन्हां दी बांह राहुल गांधी ने फड़ी है। मगर राहुल गांधी को लेकर या कांग्रेस को लेकर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि मीडिया वैसे ही आपके खिलाफ है, इसलिए आप जो भी गलती करेंगे मीडिया उसे 10 गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएगा। राहुल गांधी के लिए जरूरी है कि वो एक टीम प्लेयर की तरह काम करें, पूरे कांग्रेस को साथ समेटकर आगे बढ़ें। क्या राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। और जब जब ऐसा होता रहेगा दोस्तों, तब तब भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय तौर पर चुनौती नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से राजनीति के अंदर देश की तमाम अपनी सरकारों के जरिए यह दबंगई करती रहेगी जो हम लगातार देखते रहते हैं। और यही वजह है दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाम है उसमें कांग्रेस की निष्क्रियता और राहुल गांधी के रवैये का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। उससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे आप खारिज नहीं कर सकते हैं। और ये बातें मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इस देश को जरूरत है एक मजबूत विपक्ष की, एक ऐसे विपक्ष की जिसके पास एक प्लान हो, एक ऐसे विपक्ष की जिसे पता है कि सरकार को किस तरह से घेरना है। और ऐसे में अगर कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल इसमें पूरी तरह से नाकाम साबित होगा तो इससे बड़ी त्रासदी कोई नहीं हो सकती है। आप बताइए ना, जो सवाल आज मैंने आपके सामने रखे हैं, जो मुद्दे मैं आज आपके सामने उठा रहा हूं, क्या वो गलत हैं? और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी की सियासत का सहारा ले रहे हैं, यानी कि जैसे ही आपके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई आप पलट गए, आप वो बातें कहने लगे जो भारतीय जनता पार्टी सुनना चाहती है। मैंने देखा है दोस्तों, जैसे ही लोगों की राजनीति पलटती है लोगों का चरित्र ही बदल जाता है। इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। आपके सामने ये खबर, जी हां, खबर ये है दोस्तों कि बाबुल सुप्रियो जो हैं उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया, यानी कि ममता बैनर्जी का उन्होंने दामन थाम लिया। खबर आपके सामने है, टुडे इन द प्रेजेंस ऑफ नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी एंड आरएसएमपी डेरेक ओब्रायन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड सिटिंग एमपी बाबुल सुप्रियो जॉइन्स द तृणमूल फैमिली। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस से भी और बाबुल सुप्रियो से भी, क्या आप भूल गए कुछ दिनों पहले बाबुल सुप्रियो ममता बैनर्जी के बारे में क्या कह रहे थे आपके स्क्रीन पर? बंगाल में जय श्री राम बोलने पर दीदी को एतराज है, ममता दीदी श्री राम अगर बंगाल में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? मैंने इस मन से जय श्री राम बोला है, अब ममता दीदी को जो धारा लगानी है लगा ले। वो यहां पर अमित शाह की बात कर रहे हैं। अब दूसरा बयान देखिए, बंगाल हारने के बाद बाबुल सुप्रियो का फेसबुक पोस्ट, जनता ने क्रूर महिला को वोट दिया। ममता दी, क्रूर महिला, ये बयान रख रहे थे बाबुल सुप्रियो आपके बारे में। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, राजनीति का कोई ईमान नहीं होता है। कुछ दिनों पहले तक बाबुल सुप्रियो अपशब्द कह रहे थे ममता बैनर्जी के साथ, आज उनकी पार्टी में जाके शामिल हो गए हैं। और यही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के सामने इन्होंने झंडा बुलंद किया था, आने वाले दिनों में जब वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो देखिएगा उनके तेवर कैसे बदलते हैं, और बदल ही रहे हैं। यही हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ देखा, उन तमाम लोगों के साथ देखा दोस्तों जो पाला बदल लेते हैं। ये लोग इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इनके लिए विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है। और यही हाल हमारी मीडिया का भी है। बाबुल सुप्रियो शामिल हो गए, एक और सांसद सुनील मंडल, ये खबर देखिए दोस्तों, भाजपा के सांसद हैं वो टीएमसी का दामन थामने वाले हैं। इस बात को लेकर क्या मीडिया बहस कर रहा है कि भाजपा को झटका,
ममता बैनर्जी ने तहस नहस कर दिया बीजेपी को पश्चिम बंगाल में, क्या यह बहस हो रही है, क्या यह डिबेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब विपक्ष का मुकाबला भाजपा के साथ होता है ना, तो यह मुकाबला जो है बराबरी का नहीं है। क्योंकि मीडिया का रवैया आपने देखा कि जब भाजपा के मुख्यमंत्री हटाए जाते हैं तब कैसा होता है, जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री हटाए जाते हैं तब कैसा होता है। सुनील मंडल और बाबुल सुप्रियो दोनों टीएमसी चले गए, मगर इसको लेकर मोदी को झटका कोई नहीं कहेगा, ममता बनर्जी की तारीफ कोई नहीं करेगा। यह है हमारा मीडिया, हमारा कमजोर मीडिया, जिसे बैसाखियों की जरूरत पड़ती है भाजपा के रहमो करम की। हकीकत दोस्तों यह है, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर न्यूज चक्र में हम तमाम पहलू आपके सामने इसी तरह से लाते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए हकीकत जानना बहुत जरूरी है, खासकर उस वक्त जब हकीकत को भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने प्रचार तंत्र के जरिए दबाने का प्रयास करती है, आपको भ्रमित करने वाली तस्वीर पेश करने का प्रयास करती है। न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।